गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो फाइनली मैंने नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म बाज देख ली है तो ये फिल्म जो है मैं बोल दूँ ये 2016 में पहले अनाउंस हुई थी 17 से इसका शूटिंग चला था 18 के एंड तक खत्म हो गया था 19 में ये रिलीज़ होने वाली थी पता नहीं कुछ कारण ये रिलीज़ नहीं हो पाई ट्वेंटी में ये शेड्यूल्ड हुई लेकिन पैंडमिक के बदौलत कोई भी फिल्म जैसे कि रिलीज़ नहीं हो पाई बड़े बड़ी फिल्में ये फिल्म भी रिलीज़ नहीं हो पाई एंड डिस सॉरी जन जुलाई में ये अनाउंस हुआ कि नेटफ्लिक्स ने इसको मतलब इसके राइट्स ले लिए हैं एंड नेटफ्लिक्स पर होगा तो फाइनली ये फ्र, लास्ट फ्राइडे रिलीज हो चुके तो कैसी है ये फिल्म क्यों आपको देखनी चाहिए नरगिस फाकरी जो इंपॉर्टेंट किरदार में उनका रोल कितना अच्छा है संजय दत्त का किरदार कितना अच्छा है स्टोरी अच्छी है या नहीं अच्छी है? हम जानेंगे इस रिव्यू में पूरा डिटेल में तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर अभी तक आपने फिल्म नहीं देखा है तो एंड मेरे चैनल में आप न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो एंड वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा एंड जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी तो स्टोरी है अफगानिस्तान के स्टोरी है अफगानिस्तान में जैसा कि तालिबान छोटे छोटे बच्चों को एज़ ए उनके जरिए से सुसाइड बॉम्बर उन्हें बना देता है कैसे उनको वर्गला के उनको अपनी तरफ करके मतलब उन्हें भी एक टेररिस्ट बना देता है एंड वहाँ का माहौल कितना गंभीर है उसके ऊपर ये ऐसी स्टोरी है तो जो संजय दत्त है वहाँ पर एक वो एन के खाते मतलब एक बच्चों को ऐसे ही अवेयर करने के लिए वहाँ पर जागरूक करने के लिए वहाँ पर काम करने आए हैं एंड वो कैसे डिसाइड करते हैं कि वो कितने बच्चों को एज़ ए क्रिकेटर बनाएंगे वहाँ क्योंकि वहाँ क्रिकेट का बहुत अच्छा ये है एंड बच्चों के अंदर है, हुनर है तो क्या वो उनको मतलब क्या उसे एक सफल क्रिकेटर उनको ट्रेनिंग दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं एंड क्या उनके भविष्य को उनके लाइफ को सिक्योर कर पाते नहीं कर पाते है? यही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले की तो देखिए स्टोरी मैं बोल दूँ बहुत ही बेहतरीन है बहुत ही अच्छी है बहुत ही न्यू है ऐसे टाइप की स्टोरी मतलब बच्चे सुसाइड बॉम्बर मतलब मैंने जब ट्रेलर देखा था मुझे लगा था कि भाई ये फिल्म बहुत ही न्यू है तो स्टोरी न्यू है इसमें कोई ये नहीं है लेकिन क्या है ना इसमें एंगेजिंग मूवमेंट्स जो है वो नहीं है एंड राइटिंग और थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती तो यहाँ मुझे राइटिंग बहुत वीक लगी तो उसकी वजह से आपको एंगेजिंग नहीं लगता लेकिन आप जैसे ही मतलब क्या है, उसे आगे आगे बढ़ोगे तो स्टोरी फुल्ली एंगेजिंग नहीं लेकिन कहीं कहीं पार्ट्स पार्ट्स में आपके दिल को थोड़ा छू जाती है बच्चों के जो स्पेशली डायलॉग्स है जैसे कि वो बोलते हैं कि हम लोग को तो दे मतलब और जो है वो टेररिस्ट समझते हैं क्योंकि मेरे पापा मतलब तो वहाँ पे टेररिस्ट बन गए थे नहीं तो वो सुसाइड सुसाइड बॉम्बर बन गया था मेरा भाई ऐसे मर गया था तो वैसे टाइप के ऐसे पर्टिकुलर एक दो सीन है जिसमें आपके मतलब तो आपका थोड़ा दिल पिघल जाएगा और आपको लगेगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है एंड दिल भी आपका पसीज जाएगा तो वो सीन्स थोड़े थोड़े एंगेजिंग है अदरवाइज फुली एंगेजिंग नहीं है तो मुझे क्या लगा स्टोरी और थोड़ा मतलब राइटिंग थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होता तो ये बहुत ही क्रिस्प निकल के आता तो स्क्रीन प्ले इट इज़ क्वाइट ओके टाइप तो अब बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की तो यहाँ संजय दत्त जो कि नसीर का किरदार प्ले कर रहे हैं तो उनका काम यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है ही इज़ द पिलर ऑफ दिस फिल्म तो उनका यहाँ पर जो बहुत सारे इमोशंस वो दिखाते हैं एक वनरेबल एक इमोशनल एंड एक हैप्पी और एक जज्बा उनके अंदर जो एक होप जैसे दिखता है कि उनकी आँखों में जैसे चमक दिखती है कि नहीं मैं इन बच्चों की किस्मत तकदीर बदल सकता हूँ जो वैसे टाइप का उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे यहाँ पे तो अब बात करते हैं नरगिस फकरी की जो कि हम आयशा किरदार प्ले करें शी इज़ आल्सो प्लेइंग ए वेरी मतलब एन मतलब वो भी इसके उस पर काम कर रही है बच्चों को जागरूक करने में एंड उनके भविष्य को सिक्योर करने में तो उनका काम यहाँ पे मैं बोल दूँ ठीक ठाक ही है उनकी अभी तक हिंदी थोड़ी सुधरी नहीं है मतलब ये तो बहुत पहले की बात मतलब सिक्सटीन सेवनटीन का शूट किया गया लेकिन फिर भी वहाँ पर भी उनका हिंदी टूटी फूटी है लेकिन चल जाता है क्योंकि उन्हें इसीलिए कास्ट किया गया क्योंकि अफगान फिल्म है तो वो लोग पूरा शुद्ध हिंदी तो बोलते नहीं वो अफगानी टाइप हिंदी मिक्स करके जैसे बोलते जैसे टच देना चाहिए था वैसा रखे तो उनका चल जाता है तो अब बात करते हैं हम यहाँ राहुल देव की जो कि ही इज़ द मीस लाइक सो स्टेलर तो यहाँ पर ये कज़र का किरदार प्ले कर रहे हैं ही इज़ टेररिस्ट एंड इनका काम बहुत ही बेहतरीन है जैसे उर्दू बोलते हैं जैसे जिस तरीके से मतलब अफ़ग़ानी और हिंदू मतलब हिंदी सॉरी हिंदी बोल रहे हिंदी बोलते मिक्स करके वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये टच एंड ही हैज़ मतलब उनको दे देख के इनके किरदार को देख के लगता है कि उन्होंने इस पर काम किया है बहुत पहले से ही इन्होंने वर्कशॉप अटेंड किए होंगे ट्रेनिंग ली होगी एंड मुझे इनका काम यहाँ पे बहुत ही बेस्ट लगा एंड ये कभी कभी जब पर्दे पे आते हैं तब बहुत अच्छा मतलब क्या हो सकते हैं सबको ओवर शेडो कर देते हैं मुझे ऐसा फील हुआ तो कास्ट का काम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो अच्छा है तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे डायरेक्शन की तो गिरीश मलिक का जो डायरेक्शन है वो अच्छा है स्पेशली लास्ट सीन जो लास्ट के दास दस पंद्रह मिनट है वो बहुत ही अच्छा है थ्रू आउट द फिल्म भी अच्छा है लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना राइटिंग जो है वो बहुत ही मतलब पुअर है इसी के वजह से ही इनकी डायरेक्शन थोड़ा सा मतलब क्या हो सकता है डी मतलब लोगों को इतना दिखने दिखता नहीं है लोग बोलते है, अरे भाई डायरेक्शन अच्छा होने से क्या हुआ यहाँ तो स्टोरी मतलब बहुत ही वीक है स्क्रीन प्ले बहुत वीक है तो एंगेजिंग तो हो नहीं सकता तो ओवरऑल डायरेक्शन अच्छा है तो अब बात करते हैं हम यहाँ बैकग्राउंड म्यूज़िक सॉरी सिनेमाटोग्राफी की ओ सॉरी गाइस तो सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही बेहतरीन है ये पूरा फिल्म जो है वो बहुत मतलब अफगानिस्तान में किया गया है शूट एंड वहाँ की वादियाँ वहाँ के जो सीन्स हैं पूरा नेचुरल लोकेशन एरियल शॉट्स बहुत अच्छे से लिए गए हैं मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी वेरी गुड इन दिस फिल्म तो ये बहुत ही बिगेस्ट प्लस पॉइंट है इस फिल्म का तो अभी तो रिव्यू खत्म हो जाता है बात करते हैं रेटिंग्स की देखिए अगर कुछ न्यू स्टोरी देख रही है आपको एंड कुछ आप संजय दत्त के बहुत बड़े फैन हो तो आप इसको देख सकते हो इस फिल्म को अदरवाइज आप कुछ एंगेजिंग एलिमेंट्स ढूंढ रहे हो कुछ अच्छे मोमेंट्स ढूंढ रहे हो कि बहुत ही स्मूथ फ्री फ्लो फ्री फ्लोइंग स्टोरी है तो ऐसी टाइप की फिल्म नहीं है तो ये आपके ऊपर डिसाइड मतलब छोड़ती हूँ आप डिसाइड कर लो कि आपको ये फिल्म देख रही है नहीं देख रही है तो इसके वजह से ही मैं इसे रेट करती हूँ थ्री स्टार्स आउट ऑफ फाइव स्टार्स तो कैसे लगी आपको रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा पसंद आ गई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बात भूलिएगा मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द क्राया रिव्यू में तब तक के लिए बाय टेक केयर